हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक वो वाईफाई सेटिंग जिसे आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका जो स्पीड होगी, वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी तेज़ मिलेगी, जिसमें आपको 5G हर्ट्ज़ बोलते हैं। और वो सेटिंग जो है आपको अपने कंप्यूटर में देखना है कि वो सेटिंग एनेबल्ड है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क दिख जाएंगे, कहीं 2.4 GHz का, कहीं 5 GHz का है। तो आपका लैपटॉप अगर 5 GHz को सपोर्ट करता होगा तो आपको सेटिंग चेंज करनी है। वो सेटिंग मैं बताऊँगा। इसके डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अलग 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 स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपको सेटिंग्स मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप टाइप करो वाईफाई। वाईफाई सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा वाईफाई में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और यहाँ आपको चेंज अडेप्टर सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा राइट में। आपको राइट में यहाँ दिखेगा वाईफाई, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिखेगा। यहाँ कॉन्फ़िगर में जाने के बाद एडवांस में जाइए और देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि पहला ऑप्शन 802.11ABG दिया है, मतलब ये जो है 5 GHz सपोर्ट करता है लैपटॉप। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। 5 GHz का ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ क्लिक ओके कर दो। क्लिक ओके करने के बाद अब हमें देखना है कि हमें 5 GHz में लॉगिन होता है कि। अब देख सकते हो यहाँ 5 GHz दिखा रहा है, कभी कभार ये नहीं दिखाता है। तो जब आपको ना दिखाए तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब और अगर आप लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, बट कई लैपटॉप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे मैंने दूसरा लैपटॉप लिया है, सेम प्रोसेस। वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई सेटिंग्स में, मैं वही कर रहा हूँ, वाईफाई में जा रहा हूँ। और ऐसा पेज ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद इसे वाईफाई का दिखा रहा है और यहाँ पे इस लैपटॉप में शो नहीं करेगा 5 GHz, क्योंकि मेरा यह लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता। और इसमें वाईफाई राइट, यहाँ पर वाईफाई दिखेगा और इस वाईफाई में आपको देखना ये नॉर्मल है। और अभी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। तो प्रॉपर्टीज़ में सेम वहीं पे जाना है आपको और यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन हमें क्या करना था, कॉन्फ़िगर में जाना था। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ BGN लिखा हुआ है, तो ये 2.4 GHz सपोर्ट करता है। वो सेटिंग जो पहली दिखाई थी वो 5 GHz के लिए है। आपको वो सेटिंग देखना है कि आप अनेबल कर सकते हो कि नहीं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, जैसे उसमें पहले में दिखा रहा था। तो मेक श्योर कि आपको ये लैपटॉप में ऑप्शन मिले ताकि आप 5 GHz की जो है स्पीड यूज़ कर सको। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय।